तो दोस्तों Redmi Note 10 Pro को परचेस किए एक महीने से ज्यादा टाइम हो गया और इसको मैं एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज कर रहा हूँ। या दोस्तों अभी भी मेरी जो वीडियो शूट हो रही है इसी फोन से शूट हो रही है और इसी फोन से मैं एडिट भी करता हूँ, इसी से अपलोड करता हूँ, सब कुछ इसी से करता हूँ दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इस फोन को लेकर फुल रिव्यू करने वाला हूँ कि इसमें मुझे क्या प्रोस देखने को मिले, क्या कॉन्स देखने को मिले और ये भी बताऊंगा दोस्तों क्या 2022 में इस फोन को परचेस करना सही होगा कि नहीं, सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना और दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों जितने भी प्रोज एंड कॉन्स मैं आप सभी को बता रहा हूँ इस फोन से रिकॉर्डिंग वो सारी चीजें मैं दोस्तों किसी भी वीडियो को देख के नहीं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ यहाँ पर रियल में हुई है दोस्तों उसको मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या मुझे प्रोज देखने को मिलते हैं, क्या कॉन्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या प्रोज देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, नो डाउट दोस्तों इसमें जो साउंड देखने को मिलता है बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल जाता है। सेकंड नंबर पे दोस्तों इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में, तो डिस्प्ले से भी आपको कोई भी शिकायत नहीं रहेगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। और उसी के साथ में दोस्तों इसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है जो कि बहुत ही स्मूथ परफॉर्म करता है दोस्तों। तो यहाँ पर डिस्प्ले को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर बात करें दोस्तों इसके कैमरे की, वैसे तो दोस्तों बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा है कि इसके कैमरे को लेकर ये बोलते हैं कि जो इसका माइक्रो कैमरा है बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, दोस्तों नो डाउट इसका जो माइक्रो कैमरा है बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जो इसका मेन सेंसर है जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है वो भी आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल जाता है, चाहे इसके पिक्चर क्वालिटी की बात करें चाहे अगर आप इससे वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। मेरी अभी ये जो वीडियो शूट हो रही है इसी से हो रही है, वीडियो क्वालिटी आपको अच्छे से पता चल सकेगा दोस्तों कि किस क्वालिटी का देखने को मिल जाता है जिसमें आप 4K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों जो चौथा इसका प्रोज है वो है आउटडोर विजिबिलिटी, या दोस्तों इसमें 1300 nits का ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, तो जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। उसके बाद पांचवें नंबर पे दोस्तों जो इसका यहाँ पे प्रोज देखने को मिलता है वो है इसका बिल्ड क्वालिटी, या दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट पे इसमें आपको जो बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। जब आप इसको खुद हाथ में लेके देखेंगे दोस्तों, जब हाथ में पकड़ेंगे तो आपको एक ऐसा महसूस होगा दोस्तों कि आप एक प्रीमियम फोन को यहाँ पे लिए हैं, बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसके प्रोज के बारे में तो हमने जान लिया, अब इसके कॉन्स के बारे में जानते हैं जो कि मुझे इसमें देखने को मिले हैं, या दोस्तों मैं आप सभी को एकदम रियल बताऊंगा कि मुझे क्या क्या कॉन्स इसमें आपको देखने को मिले हैं। सबसे पहला कौन सा देखने को मिला दोस्तों कि इसकी बैटरी बैकअप, हालांकि दोस्तों इसमें आपको 5020mAh की एक बिग बैटरी देखने को मिलती है लेकिन जो इसकी बैटरी बैकअप है दोस्तों आपको एक दिन मुश्किल से चल पाता है। या दोस्तों अगर आप इसमें वीडियो एडिटिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं, अपलोड करते हैं तो आपका मुश्किल से दोस्तों एक दिन यहाँ पे चल पाता है। या दोस्तों मेरे पास अभी ये वीवो का एक फोन है जो कि 2 साल पहले मैंने लिया था, इसमें आपको 43mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। इसका जो बैटरी बैकअप है और जो Redmi Note 10 Pro का बैटरी बैकअप है सेम है, या दोस्तों इसमें आपको 43mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, एक दिन इससे निकल जाता है। इसमें भी मैं पहले वीडियो एडिटिंग करता था, शूटिंग करता था, सब कुछ करता था और सेम बैटरी बैकअप उसमें भी देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और बात करते हैं दोस्तों इस फोन में जो दूसरा मेजर कॉन देखने को मिलता है वो इसके हीटिंग प्रॉब्लम, या दोस्तों जब आप वीडियो शूट करते हैं या एडिट करते हैं तो सारे फोन जो होते हैं थोड़ा बहुत हीट होते हैं लेकिन इसमें जो हीटिंग प्रॉब्लम है दोस्तों बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाती है। और दोस्तों जब आप इसको आउटडोर यूज करते हैं तब इसकी ब्राइटनेस भी हाई रहती है तब भी इसमें आपको हीटिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यहाँ पे भी आपको एक मेजर कॉन देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो तीसरे नंबर पे इसमें आपको मेजर कॉन देखने को मिलता है वो है इसका फ्रंट कैमरा, या दोस्तों इसके फ्रंट कैमरे से जब भी आप वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो जो वीडियो आती है आपको ब्लर वीडियो देखने को मिलती है, या दोस्तों धुंधली धुंधली सी वीडियो देखने को मिलती है। अब ये सारे डिवाइस के साथ में ऐसा है कि नहीं है ये पता नहीं है लेकिन जो मेरे यहाँ पे फोन है इसके साथ में ऐसा है। नो डाउट दोस्तों इसका जो रियर कैमरा है आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, चाहे इसके मेन सेंसर की बात करें चाहे माइक्रो सेंसर की बात करें, लेकिन जो इसका फ्रंट कैमरा है दोस्तों उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे जो वीडियो है आपको ब्लर वीडियो देखने को मिल जाती है। अब जो चौथा यहाँ पे मेजर कॉन मुझे देखने को मिलता है दोस्तों वो है कि इसमें आपको जो मोड एपीके यहाँ पे एप्स होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे दोस्तों ये तो अच्छी बात है लेकिन दोस्तों ये मेरे लिए यहाँ पे खराब है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग जो वीडियो एडिटिंग करते हैं वो काइनमास्टर का ही यूज करते हैं और काइनमास्टर का मोड एपीके ही यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसमें सपोर्ट नहीं करता है तो यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करते टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छी बात है दोस्तों क्योंकि ये सिक्योरिटी के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन दोस्तों जब वीडियो एडिटिंग की बात आती है तो उस हिसाब से मुझे एक मेजर कॉन देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको जो सबसे लास्ट में सबसे बड़ा मेजर कॉन देखने को मिलता है वो है इसका अपडेट, या दोस्तों जैसे ही इस फोन को आप अपडेट करेंगे कुछ ना कुछ नया प्रॉब्लम लेके आ जाता है, चाहे इसके डिस्प्ले की रिकॉर्डिंग हो, चाहे बैटरी की रिकॉर्डिंग हो, चाहे कैमरे की रिकॉर्डिंग हो,
कुछ ना कुछ जैसे ही आप इस फोन में अपडेट आएगा आप अपडेट करेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे दोस्तों सबसे खराब लगती है। किसी भी फोन में जब अपडेट होता है दोस्तों तो उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम रहती है उसको सुधार किया जाता है, उसमें यहाँ पे इम्प्रूव किया जाता है, लेकिन दोस्तों इस फोन में जब भी आप अपडेट करेंगे कोई ना कोई नया प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे इसके प्रोज एंड कॉन्स जो मुझे इस फोन में देखने को मिले हैं, और 100% रियल है दोस्तों, कोई भी फेक चीज यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनल कंक्लूजन की, क्या आपको इसको लेना चाहिए 2022 में कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों जो इसकी प्राइस है आपको 16,000 रुपीज अभी देखने को मिल जाती है, लेकिन दोस्तों जब आप इसको ऑफर्स में परचेस करेंगे तो आपको 14,000 रुपीज तक देखने को मिल जाता है, 14 से 15,000 के बीच में। तो और जब मैंने भी इसको परचेस किया था दोस्तों तो इसको 14,000 में परचेस किया है, और नो डाउट दोस्तों अंडर 15,000 रुपीज में इसमें आपको जो बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, जो डिस्प्ले देखने को मिलती है, और जो रियर कैमरा देखने को मिलता है, उसी के साथ में दोस्तों जो फास्ट चार्जिंग वगैरह देखने को मिलते हैं, सब कुछ अच्छा देखने को मिल जाते हैं। अंडर 15,000 रुपीज में अभी भी कोई भी ऐसा फोन नहीं है दोस्तों जिसमें ये सारी चीजें इस तरीके से अच्छी देखने को मिल जाए। या दोस्तों रेडमी का ही जो नोट 11 सीरीज आया है वो भी इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, उसके कैमरे से आप 1080p पे 60fps की वीडियो नहीं शूट कर सकते हैं, इसमें आप 4K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, ये सारी चीजें अभी भी इसमें अच्छी देखने को मिल जाती है। हाँ दोस्तों इसमें आपको 4G प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर आप एक 4G बेस्ट ऑलराउंडर फोन लेना चाहते हैं नो डाउट दोस्तों अंडर 15,000 रुपीज में इससे बेस्ट फोन आपको कोई भी अभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें मदद करेगी दोस्तों, इसमें आपको क्या प्रोस देखने को मिलते हैं, क्या कॉन्स देखने को मिलते हैं, सब कुछ बता दिया है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो सारी चीजें आपको आगे चल के मदद करेगी दोस्तों, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको इसको परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सबकी चीज मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों वीडियो क्लास तक देखने के लिए।